5 लाख शार्क्स को मारा जाने वाला है। रुकिए, मैं उसे फिर से बोल रहा हूं, 5 लाख शार्क्स मरेगी क्योंकि हमें बचना है। इसी पे आज हम बात करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ ही वीडियो में ताकि आप सभी को मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना करो। दोस्तों, कोविड एंटीबॉडी टेस्ट बुक करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिलेगी 10% डिस्काउंट के साथ। घर से सैंपल कलेक्ट हो जाएगा, ईमेल पे रिजल्ट मिल जाएगा, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है ना तो आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए वैक्सीन की भी जरूरत नहीं होगी। एक बार जरूर से करवाना चाहिए, मैंने भी करवा लिया है। कल से उसका रिजल्ट जाना, मैं आप सभी के साथ डिटेल में शेयर भी करूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि शार्क का क्या चक्कर है। दोस्तों मैं जो है ना अप्रोक्सीमेटली दिन में 4 से 5 घंटे जितने भी आर्टिकल्स जितने भी अपडेट्स वैक्सीन रिलेटेड होते हैं मैं पढ़ता ही रहता हूँ एंड मेजर आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। काफी दिनों से मेरे सामने आ रहा है कि इतने शार्क्स मरेगी वैक्सीन बनाने के लिए। मैं पढ़ रहा था लेकिन फिर मैं इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब जो ना काफी आर्टिकल्स आ चुके हैं। अगर मैं ट्विटर पे जाता हूँ ना तो काफी ट्वीट्स भी है। यहाँ पे चक्कर ये है कि एक सब्सटेंस है जिसका नाम है स्क्वालिन। अब ये कहा जा रहा है कि मोस्टली सारी वैक्सीन बनाने के लिए स्क्वालिन का यूज होता है क्योंकि ये काइंड ऑफ इम्यूनिटी बूस्टिंग का कुछ काम करती है। और ये जो स्क्वालिन है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो शार्क के लीवर ऑयल में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ऐसे में शार्क अलायंस का ये कहना है कि अगर पूरी दुनिया को एक बार वैक्सीनेट करना है ना तो 2,50,000 शार्क को मारा जाएगा। एंड अगर दो बार वैक्सीनेट करना है, मतलब आप सभी को पता है कि ज्यादातर वैक्सीन के 2 डोजेस जो है ना वो लगते ही लगते हैं, तो उस केस में जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख शार्क्स को मारा जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब मेरे माइंड में काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कौन सी वैक्सीन के अंदर स्क्वालिन का यूज जो है ना वो हो रहा है, तो हम वो लेंगे ही नहीं। देखिए, कोवैक्सीन का मुझे पता है कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। अब उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो कंपनी ने शेयर नहीं किया है, सेम एज कोविशील्ड में हो रहा है, एस्ट्राजेनेका में हो रहा है या फिर कोई अदर वैक्सीन में हो रहा है, वो चीज हमारे साथ शेयर नहीं की गई है। तो हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सी कोरोना वैक्सीन के अंदर स्क्वालिन का यूज जो है ना वो हो रहा है। तो ऐसे में अगर आपको पता है, क्योंकि मुझे तो कोई ऐसा डेटा नहीं मिला, आपको पता है कि कौन सी वैक्सीन के अंदर शार्क्स का ये स्क्वालिन यूज हो रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अगर कल को ये निकल के आता है कि ये वैक्सीन के अंदर जो है वो स्क्वालिन का यूज हो रहा है, तो हम सब उसे इग्नोर कर सके ताकि कम से कम शार्क जो है ना मरे। मैं तो चाहूंगा कोई शार्क मरे ही ना। आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। आशा रखता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आया है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना करो। अगले वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।